अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल चैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूँ। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे मेरा एक कज़न मिला। उस कज़न का फ्रेंड्स पहले जो कॉम्प्लेक्शन था बड़ा डल था, बड़ा डार्क था, लेकिन अब जो मैंने उसे देखा तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल खिलते हुए गुलाब की तरह चमकता दमकता हुआ था। बहुत कोरा चिट्टा हुआ हुआ था उसका चेहरा। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपने ऐसा क्या किया कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है इतनी जल्दी विद इन फ्यू डेज में इतना गोरा चिट्टा चमकता दमकता हुआ हो गया है? पहले तो वो बता नहीं रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोस्टली लोग जो होते हैं अपनी फेयरनेस या हेल्थ के हवाले से कभी भी आपको अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं वो नहीं बताते हैं, इधर उधर की बात करके टाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी उसके पीछे लगा रहा। उसके बाद यह कि मैंने उसे उस बात वो उसका जो राफ था उसका सीक्रेट था गुलवा ही लिया उससे। तो फ्रेंड्स, ये जो सीक्रेट था ये फ्रेंड्स उसके ने जो कोई एक उसने किसी डॉक्टर था, डॉक्टर यानी जो स्किन स्पेशलिस्ट था, उससे अपनी फेयरनेस के लिए गया था उसके पास, उसके वो फीस दे के उससे ना फिर उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था वो यूज़ कर रहा था। तो फ्रेंड्स, उसने जो मुझे टैबलेट बताई थी, क्रीम बताई थी और एक सोप के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, जो सोप ये जो क्रीम है और जो टैबलेट है उसके बारे में नेक्स्ट फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स उसने मुझे एक बहुत बेहतरीन एक सोप के बारे में बताया। जब मैंने उस सोप के बारे में उससे सुना तो फिर मैं मार्केट गया और वो मैंने खुद परचेज किया और खुद मैंने यूज किया। तो फ्रेंड्स, बिलीव मी कि विद इन फ्यू डेज में जो मेरा खुद का कॉम्प्लेक्शन था वो और ज्यादा गोरा हो गया, बड़ा निखरा निखरा हो गया फूलों की तरह। तो फ्रेंड्स, ये जो सोप है फ्रेंड्स ये मेडिकेटेड सोप है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर बंदे की स्किन के लिए इसे यूज कर सकता है। नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, वट एवर कोई भी स्किन है, हर स्किन का बंदा इसे इजीली यूज कर सकता है। आप इसे अपना चेहरा धोएं, अपनी जिस्म धोएं, आप नहाएं धोएं, जो भी आपने करना है, लेकिन बस आप ये समझ लें नहाते धोते जाएं और अपने चेहरे और बॉडी की कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा गोरा गोरा करते जाएं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको चेहरे को बल्कि पूरे जिस्म को गोरा बनाने वाले इस सोप के बारे में बताऊं, सोप के नाम के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जब आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया करें तो साथ में जो घंटी का बटन होता है उसे लाजमी प्रेस किया कीजिए, क्योंकि जब आप घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगे जिस वक्त भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे लाजमी शेयर किया कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है जिस वीडियो के जरिए आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, आपको कोई फायदा हुआ हो, तो उसी वीडियो के जरिए आपके किसी नेक्स्ट रिलेटेड पर्सन को भी फायदा हो, चाहे वो बंदा आपको दुआएं दे। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा फेयर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, बल्कि पूरे जिस्म को सर से पांव तक गोरा चिट्टा खूबसूरत बनाने के लिए, दूध की तरह सफेद बनाने के लिए जो आपको जिस सोप के बारे में बताया था, तो फ्रेंड्स ये है वो सोप। फ्रेंड्स, इसका नाम ग्लूटामैक्स स्किन वाइटनिंग सोप है। फ्रेंड्स ये देखेंगे इसकी पैकिंग है। फ्रेंड्स इसकी पैकिंग भी देखें कितनी खूबसूरत है। जिस तरह इसकी पैकिंग है उसी तरह ये सोप भी बहुत इसके औसम रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स ये देखें जिस तरह ज्वेलरी बॉक्स होता है ना, उस तरह ज्वेलरी बॉक्स की तरह की इसकी पैकिंग है। फ्रेंड्स ये इसका लिफलेट है इसके साथ, ये सोप है जिस तरह एक ज्वेलरी होती है ना ज्वेलरी। फ्रेंड ये खुद पर्सनली मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, ये देखें ये है सोप। तो फ्रेंड्स आपने इस सोप को यूज इस तरह करना है कि आपने अपना जो चेहरा है या जिस्म है पहले आपने इसे भिगोना है या उसके पानी से नम कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये जो सोप है सोप को लेके आपने इसको इसकी जो होता है ना एक झाग, बहुत मिल्की झाग जो होती है वो आपने बनानी है ठीक, और उससे अपने फेस पे या बॉडी पे झांझ भी आपने इसे यूज करना है। उसके बाद आपने उसके 1 मिनट आ 1-1.5 मिनट आपने उसका मसाज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने उसे लगाए रखना है, लगा के रखना है, और उसके बाद ये है ना कि कम से कम आपने फ्यू मिनट्स 5-7 मिनट आपने उसे लगाए रखना है फेस के ऊपर। अब इस तरह मत लगाइए कि आपकी आंखों में भी सोप चला जाए, सोप आंखों में नहीं जाना, जस्ट आपने अपने फेस पे लगाना है। फेस पे आप लगाएंगे उसके बाद आप इसे 5-7 मिनट रोकें, देन उसके बाद अपने चेहरे को धो लें, तो आप ये देखिएगा कि विद इन फ्यू डेज में आपको जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो मेरे उस कजन की तरह गोरा चिट्टा चमकता दमकता हुआ हो जाएगा। और लोग आपसे आपका सीक्रेट पूछेंगे, तब आपकी मर्जी है कि आप लोगों को वो सीक्रेट बताएं या ना बताएं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।